कल्पना चावला, उसकी भी डिटेल है यहाँ पे। यू नो द बेस्ट थिंग कि आप यहाँ पे चांद को टच कर सकते हो। हाउ वाज इट? अमेजिंग। डिड यू सी लाइक द स्मोक जस्ट कमिंग आउट? डिड यू गेट टू रिकॉर्ड इट? वेलकम अबोर्ड। Papa, rocket launch at 6:40. Papa, happy anniversary. Check, check, check. Hello. Happy anniversary. Gaadi. Thank you, thank you. You guys look very excited today. What's happening? You look more excited. Yeah. 8:53 पे हम लोग पहुंच जाने चाहिए वहां पे। 9 o'clock पे gates open होते हैं। विश तो लगता है आज हमारे साथ पोपट हो जाएगा। हम घर से निकले थे तो दिखा रहा था 8:53 पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ट्रैफिक का कुछ समझ नहीं आ रहा। 8:53 से बढ़ते बढ़ते 9:30 पहुंचेंगे। 9:31 हो गया अब तो, और 9:44 पे रॉकेट लॉन्च होना है। सो मुझे नहीं लग रहा कि हम लोगों को रॉकेट लॉन्च होते देखने को मिलेगा, विच इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। बट अपनी तरफ से मार्जिन लेके निकले थे। अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, 4 miles दूर हैं हम यार, सिर्फ 4 miles दूर हैं और आधा घंटा दिखा रहा लग जाएंगे तुम्हारे को। कमाल है यार, ये तो हद ही होगी, आधा घंटा लग जाएगा 4 miles में। अब ये देखो, हम यहाँ खड़े हैं, दिस इज दी विजिटर कॉम्प्लेक्स, 2 miles दूर है, 31 minutes लगेंगे ये 2 miles कवर करने में। उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये गूगल के हिसाब से रॉकेट लॉन्च से 7 मिनट पहले हम लोग पहुंच जाएंगे। अगली बार क्या करना है, हम अपनी तरह से 1 घंटा पर कम मार्जिन लेके चले हैं। इससे ज्यादा क्या मार्जिन होता है यार। अब पता लग गया कि रॉकेट लॉन्च टाइप जगह पे है ना, 2 घंटे का मार्जिन चाहिए, 1 घंटे का भी नहीं। रात को ही आ जाओ यहाँ पे तो, यहाँ बगल में था ना एक हॉलीडे, वहीं रुक जाना सही में। डोंट वरी बी हैप्पी। खेत में से ना ले जाओ, ये जो खेत बने हुए यहाँ पे, नहीं देखो ना यहाँ से ले, आगे कोई गाड़ी तो है नहीं, 8-10 के बाद ऐसे अंदर घुसा ले। ये डबल येलो लाइन दिख रही है ना, लाइसेंस तेरे पास? तो मैं आपको रूल ब्रेक करने को कह रही हूँ, तो मुझे पता रूल है यहाँ, आई एम आस्किंग यू टू ब्रेक द रूल। वो कितने धीरे चल रहा है, इतना गैप है बीच में, पागल। दोनों ने रिकॉर्ड करना है, भाग जाना, मैं बच्चों को लेके आ जाऊंगी। Okay. गाड़ी तो पहले पार्क करनी पड़ेगी। ओहो, ग्रीन हो गई अपनी, ग्रीन हो गई, ग्रीन लाइट। गाड़ी पार्क करते भाग जाना। आगे से ही जा सकते थे ऋषि, गाली तो खानी थी, आगे जाके खा लेते। जो फुटेज है ये दोनों महिलाओं के हाथ में, पूरी इनकी जिम्मेदारी, नो प्रेशर गाइस, ओके। लेकिन जो भी अगर आज लॉन्च की कोई वीडियो कैप्चर हो पाई वो इन्हीं दोनों के कैमरास में से होगी। जूम वाला साक्षी के हाथ में है और वाइड वाला स्वाति के हाथ में है। यू हैव टू डू अ गुड जॉब, ओके गाइस, नो प्रेशर। 9:44 पे है जी लॉन्च, 9:32 पे दिखा रहा है पहुंचने के लिए, अभी भी उम्मीद है। वी हैव 6 more minutes टू लॉन्च, लेट्स एवरीबॉडी प्रे कि लॉन्च गेट्स डिलेड बाय फ्यू मिनट्स। फाइव मोर मिनट्स, वही तो वो एंथू अच्छा लगता है यार। फिर क्या करें, वापस चले यहीं से, यहीं से चले वापस। हम अपना ही कर लेंगे, और क्या करेंगे। थ्री मिनट्स टू लॉन्च और हमारा नंबर आ गया है पार्किंग मेंटर होने का। मैं तो कह रही हूँ जहाँ मिलती है ना ऋषि उतर, मैं यही लगा दूंगा, मैं अंदर किसी को घुसने नहीं दूंगा, डोंट वरी, यही लगा दूंगा मैं गाड़ी। देखो सर, मैं उतरू यहाँ से भाग जाऊँ, कहाँ भागने पर मुझे वो नहीं पता,
जाते या तो बस ये जहाँ खाली लग रही है ना बस लगा दो, instead of wasting the time बस यहाँ आगे आगे लगा दो। ओके यहीं पे ही रुक जाओ यार, यहीं से दिखेगा, डोंट वरी। मुझे लगता है आई डोंट नो जाना कहाँ है बट इधर ही होगा, सब लोग इधर ही लेके खड़े हुए हैं कैमरा। टाइम हो चुका है 9:44। ओ रहा वो देख, वो गया वो रहा गाइस, इट वाज ऑन टाइम। मेरे को नजर ही नहीं आ रहा इसमें, देख लिया। Do you feel the power? Yeah. You hear that? Yeah, I also feel it. Oh my gosh, I feel heat. परफेक्ट व्यू नहीं आया और ट्राइपॉड लगा था उसका भी टाइम नहीं मिला, बट एटलीस्ट कुछ तो देख पाए, फील तो कर पाए, कुछ तो देख पाए। हाउ वाज इट? अमेजिंग। डिड यू सी लाइक द स्मोक जस्ट कमिंग आउट? डिड यू गेट टू रिकॉर्ड इट? यस सर, आई रिकॉर्डेड द होल थिंग। यार इट वाज वेरी शेकी क्योंकि ना जूम के बाद ना शेक बहुत करता है, तो अब ट्राइपॉड पे होता तो मैं बिल्कुल रखता उसके ऊपर, लेकिन अब ये पार्किंग लॉट में हमारे को पार्किंग लॉट में करने का मिल गया। वापिस भी आता है ना, वापिस कब आएगा? ये स्पेस एक्स का है ना, ये वापिस आता है। तो ये जो रॉकेट लॉन्च देखा था हमने, ये स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट था जो कि स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लेकर गया था। आज 46 सैटेलाइट्स उन्होंने छोड़ी हैं आज। अगर जिनको नहीं पता, स्टारलिंक बेसिकली एक इंटरनेट सर्विस है जो कि स्पेस एक्स की सर्विस है। आप दुनिया तो अभी तो नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका के आप किसी भी कोने में हो, रिमोट से रिमोट एरिया में रहते हो, सैटेलाइट लगा के आपके घर पे इंटरनेट आ जाता है हाई स्पीड। सो दैट वाज इट, 46 सैटेलाइट्स आज लॉन्च करी उन्होंने। लास्ट मिनट ही सही, बट हम लोगों ने टेक ऑफ की शुरुआत तो अच्छी करी है, तो हमने देख लिया, बट कमर में दर्द अभी भी है। दवाई इस बैग में ही है, मैं लाया हूँ। हाँ मैं लूंगा, मैंने एक लेकर आया था दवाई, एक अभी और लूंगा मैं। ये पीछे इन्होंने बनाया हुआ है काउंट डाउन टाइमर, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो यहाँ पे लिखा होता है, तो यहाँ पे भी आ रहा है 12 मिनट माइनस, तो इसका मतलब 12 मिनट पहले उड़ चुका है। तो हम लोग हैं इस टाइम नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में, ये पोर्ट कनेवरल पे बना हुआ एक सेंटर है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं। अभी हमने एक रॉकेट लॉन्च देखा यहाँ से होते हुए, तो फील स्पेशल यहाँ पे आना, उसकी जो वाइब्रेशन फील होती है अमेजिंग होती है। सो यहाँ पे इनका एक काइंड ऑफ म्यूजियम भी है, वो अभी हम लोग अंदर देखने जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स हैं और बहुत इंफॉर्मेशन है जो भी आज तक के मिशन हुए हैं। तो पीछे यहाँ पे सारे रॉकेट्स वगैरह भी दिख रहे हैं आपको, ये सारे रॉकेट वगैरह भी इन्होंने पीछे डिस्प्ले में किया। बहुत बड़ा म्यूजियम है, पूरा दिन लगता है, तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी रियली रियली लॉन्ग। ये मेरे पीछे है रॉकेट गार्डन, यहाँ पे सारे अलग अलग रॉकेट इन्होंने लगा के रखे हुए हैं। दीज आर ऑल रियल रॉकेट्स, ये पर कभी स्पेस में नहीं गए क्योंकि जो स्पेस में जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते। सो ये जो बैकअप बना के रखे हैं, दे आर ऑल फंक्शनिंग। यू नो व्हाट दिस गाय इज डूइंग? ही इज वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल ऑन मार्स। मतलब ये प्रोजेक्शन है, लेकिन क्या सही दिख रहा है ये? प्रोजेक्शन एक्चुअल है।
यहाँ पे वो एक्चुअल रोवर्स पड़े हुए हैं जो मार्स में भेजे थे. देयर इज अ क्यूरियोसिटी एंड परसिवेरेंस. Now we are going to go watch a space movie. In IMAX. And every one of us is part of the solution. Even you. बड़ी मूवी खत्म हो गई. उठो उठो. मूवी खत्म हो गई, घर जाना हमारे को. चल तुमसे मैं ये कह रहा हूँ, 1:09 जरा सा ही लेट हो गया. वो रॉकेट दिखा नहीं तेरे को? मैं कहता रहा हूँ कि तुमसे बेटर रॉकेट तो मैंने देखा है टीवी पे. देखा है ना लाइव? तो कभी भी ऐसे तो टीवी पे तो हम घर जाके दोबारा देखेंगे लाइव. स्वाति ने भाई दैट अबाउट डेफिनेट. क्यों क्या हुआ यार? हुआ ये, इसमें जूम कर लिया वो इतना हिल रहा है, वो लॉस्ट हो जाता बार बार. फिर मैं जूम आउट करूं इधर उधर ऊपर चले गए वो. अब क्योंकि मैं देख रहा था लॉन्च में 4 मिनट का तो टोटली है बस सारा खेल. वो तो निकल के वापस आ गया 8 मिनट में तो. हाँ 9 मिनट में वापस आ गया था वो. अंदर एक मूवी थी आईमैक्स पे, बहुत ही बढ़िया मूवी थी. मूवी वॉज अबाउट एस्ट्रॉयड कि कैसे उनको डिटेक्ट करते हैं और अगर एस्ट्रॉयड कभी धरती की तरफ आ जाएगा तो कैसे उसको डिस्ट्रॉय करेंगे. इट वॉज अ 3D मूवी, वेरी वेरी नाइस. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था. दो नहीं. तो अब यहाँ से हम लोग लेंगे बस अपोलो एग्जीबिशन जाने के लिए. अपोलो क्या था? अपोलो क्या था? मिशन था जो चांद पे गया था पहला. चांद ये है. हेलो. तो अभी ये बस पे हमारा टूर चल रहा है. जितनी भी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है ये रियल स्पेस सेंटर है, कोई सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है. दिस इज अ रियल स्पेस सेंटर. तो अभी एक बिल्डिंग बाहर से ही दिखाई है जिस बिल्डिंग में सारे रॉकेट्स असेंबल होते हैं. इट्स कॉल्ड व्हीकल असेंबली बिल्डिंग. दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक है. हम लोग हैं इस टाइम अपोलो सेंटर में. इंसान 1969 के अंदर सबसे पहली बार जब चांद पे गया था उस मिशन का नाम था अपोलो मिशन. और इस सेंटर में उसके बारे में सारे ये जो रॉकेट्स और स्पेस शटल्स मेरे पीछे देख रहे हो, दे आर दी रियल एक्चुअल स्पेस शटल्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुई थी. बहुत सारे रॉकेट बनाए गए थे, बहुत सारे स्पेस शिप बनाए गए थे. अभी एक प्रेजेंटेशन थी, उस प्रेजेंटेशन में जो लॉन्च सेंटर होता है, जो कंट्रोल सेंटर होता है जहाँ बड़े सारे कंप्यूटर वगैरह पड़े होते हैं, जो एक्चुअल रियल जो था उस टाइम यूज़ हुआ था, उस जगह पे उन्होंने पूरा ऐसे डेमो दिया था कि कैसे फ्लाइट टेक ऑफ हुई थी. लॉन्च कंट्रोल फॉर द अपोलो मिशन. दिस इज नॉट अ मॉकअप. दीस आर द वेरी कंसोल्स वी सैट एट व्हेन मेन फर्स्ट टुक ऑफ टू फ्लाई टू द मून. इवन जो विंडोज थी वो उसकी हिल रही थी. चांद पे जो मॉड्यूल गया था ना, जो कॉकपिट है उसका, दिस इज द कॉकपिट. दैट इज अ रियल रोबोट. देयर आर अदर रोबोट्स ओवर इन द ट्रैक. यू नो द बेस्ट थिंग कि आप यहाँ पे चांद को टच कर सकते हो. हमारी एनिवर्सरी है, अपनी बीवी को बोल रहा हूँ
ये ले आया तेरे लिए चांद, लगा ले चांद को हाथ। असली में तोड़ लाए चांद मेरे लिए, देख इतना प्यार 15 साल। तेरे को चांद को हाथ लगाना था, वो लगा लिया तूने? चांद छू लो। कैसा लग रहा चांद को छू के? बढ़िया। अब कोई फरमाइश तो नहीं है? एक फोटो चमड़े का, एक चमड़े का थाला चाहिए, वो तो चाहिए। सॉरी, ला मैं आपके बनाऊंगी। चलो आपको भी यही है, सेम एनिवर्सरी गिफ्ट है। चांद के टुकड़े को ऐसे माउस पैड लग रहा है, इसके ऊपर माउस चला सकते हैं। बस आईटी वाले का दिमाग यही कर रहा है। ये लास्ट प्रेजेंटेशन है अभी यहाँ पे, जिसमें एक्चुअली में वो ह्यूमंस गए थे मून पे, उसकी वो है प्रेजेंटेशन। The entire moon landing has come down to 2 men and 1 minute. Just after we had landed, I'd gone down, standing on the surface and looking at planet Earth for the first time. What a ride, what a ride. इलेवन में पहला इंसान लैंड हुआ था 1969 में, और फिर 17 में आखिरी इंसान हुआ था 1972 में, और उसके बाद अपोलो मिशन बंद कर दिया था। बट ये देख, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग रॉकेट लोग मून पे लैंड हुए, अलग अलग इस पे देखे। या ये अपोलो 14 का कैप्सूल है जिसमें बैठ के वापस धरती पर आए थे चांद से वापस आते हुए। जब वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ये पूरा जल जाता है ना, देख रहा है नीचे सारा ये काला हुआ पड़ा, जला पड़ा है ये। ये है मेरे पीछे अटलांटिस स्पेस शटल। स्पेस शटल लॉन्च तो रॉकेट की तरह होती है, लेकिन लैंड एक एरोप्लेन की तरह होती है। इसका मेन जो यूज़ था वो था नासा यहाँ से जो एस्ट्रोनॉट और कार्गो भेजती थी आउटसाइड अर्थ यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह पे, तो इस पर बहुत से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस पर जाते और वापस आते थे। यस, दैट इज़ द एक्चुअल स्पेस शटल, नॉट अ रेप्लिका, नॉट अ डमी, एक्चुअल वन। ये इसका कॉकपिट है जहाँ पे बैठ के एस्ट्रोनॉट्स इसको कंट्रोल किया करते हुए। और एक और स्पेस शटल थी जिसका नाम था कोलम्बिया, जो कि धरती पर वापस आते हुए क्रैश हो गई थी। यहाँ पर वो जो उसमें एस्ट्रोनॉट थे उनके कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें अपनी जो एक एस्ट्रोनॉट थी इंडियन ओरिजिन की कल्पना चावला, उसकी भी डिटेल है यहाँ पे। अच्छा नहीं गए यार, बड़ी भड़बड़ भड़बड़ भड़बड़। मेरा चश्मा मैं दे गई थी क्या आपको साथ? यहाँ नहीं है मेरे को यार, पता नहीं कैसा, मतलब मैं यहाँ टंगा हुआ था मेरा चश्मा। ऑलराइट, और भी बहुत कुछ देखने का मन था लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है, और हम मेरे ख्याल से 50% देख पाए होंगे। सो एक दिन और भी चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत मज़ा आया, सारी जो स्पेस शटल्स और रॉकेट्स हैं दे आर रियल, दे आर नॉट डमी। सो अगर आपको हिस्ट्री में जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की हिस्ट्री, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो या फिर बच्चों को इंस्पायर करना हो, सो दिस इज़ डेफिनेटली एन अमेजिंग प्लेस। एक हमारा नुकसान हो गया, साक्षी ने जो सनग्लासेस पहने हुए थे वो लास्ट वाली राइड के चक्कर में वो गिर गए, गई वो मिले नहीं। और दूसरी बात, और जो हमने सुबह जो लॉन्च देखा रॉकेट का, दैट वाज अमेजिंग, बट हम 1 घंटे का मार्जिन लेके आए थे। अगर आप आ रहे तो एटलीस्ट 2 घंटे का मार्जिन लेके आना। एक ये भी रीज़न था कि वो अर्ली मॉर्निंग थी, जो दोपहर की या शाम की शटल होती है वो देखना थोड़ा ज़्यादा आसान है,
अर्ली मॉर्निंग वाली इज अ लिटिल डिफिकल्ट। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे लगता नहीं कोई देने वाला है चश्मा जैसा। अच्छा था वो चश्मा ना, बड़ा कंफर्टेबल था, घुमा दिया चश्मा। वेट, ये तो भाभी की वो है ना यार, द वन दैट यू वांट, यूएसपी है, यू लॉस्ट ऑल दैट यू वांट, घूम होता है। They're giving chocolate samosa with vanilla ice cream. Chocolate samosa with vanilla ice cream? Papa, we could do this. Papa. That's interesting. It's up sound was like. Something is better than nothing. Yes. SpaceX का है ना ये, वापस आता है ये। कब आएगा? अभी आते का उसको छोड़ के ऊपर। तो ये टाइम पास के लिए भेजते हैं क्या ऊपर?